हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आर फ्यूम। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम कुछ खास बनाने जा रहे हैं और वो है केसर दम बिरयानी। केसर दम बिरयानी बनाने के लिए और चिकन की बना रहे हैं तो चिकन केसर दम बिरयानी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो हम आपके साथ में शेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये 500 ग्राम चिकन और इस तरीके की हमारी जो लेग पीसेस हैं इन्हें हम कट कर लेंगे कि ये हमारा मसाला नमक अंदर तक बिल्कुल पहुंच सके। बाकी पीसेस फ्रेश हैं तो हम इन्हें साइड में कर देते हैं अभी। और ये हमारा 1/2 kg राइस, बासमती राइस है। इसे हमने 1 घंटे पहले धो के भिगो दिया था और ये पानी पूरी तरीके से पानी को देखिए ये सॉफ्ट हो चुका है। देखिए अब हम इसे भी साइड में कर देते हैं। 2 से 3 लेमन जो हम अपने ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे, ये पुदीना पत्ती और 6 मिर्च, हरी मिर्च। हमारी हरी मिर्च तीखी है इसलिए हम यहाँ पर कम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। धनिया पत्ती, फ्रेश धनिया पत्ती, 2 तेज़पत्ता, इसे भी साइड में कर देते हैं। और ये है केसर। जैसा कि आप जानते हैं हम केसर दम बिरयानी बना रहे हैं तो केसर तो पड़ना भाई लाजमी है। ये केसर 7 से 8 धागे हमने गुनगुने दूध में पहले से भिगो के रख दिया है, इसे भी साइड में कर देते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स, नारियल, काजू, बादाम और पिस्ता, इसे सब हमने फ्राई करके कटोरी में रख लिया है। आधा इसे पेस्ट बनाने में यूज़ करेंगे और आधा हम गार्निश के लिए बचा के रख देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट, देसी घी 2 से 3 चम्मच, दही नॉर्मल 1 कटोरी, ओनियन फ्राई ओनियन, ये 2 से 3 प्याज हमने लेकर इसे बारीक कट करके फ्राई किए हैं, इसे भी साइड में रख देते हैं। 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर और नमक, वो अपने टेस्ट के हिसाब से हम डालेंगे क्योंकि अभी चावल को जब हम बॉईल करेंगे तो चावल में भी बिरयानी के लिए नमक डालते हैं तो नमक को अपने हिसाब से बैलेंस करना है। अब हम आते हैं बनाने की तरफ, तो चलिए हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करके 1/2 घंटे से 1 घंटे तक के लिए रख देते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट, धनिया पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर और ये नमक, दही, ये फ्राई ओनियन आधी इसमें डालेंगे और आधी हम गार्निश के लिए रख देंगे। दो तेज पत्ता, हरी धनिया, पुदीना, यहाँ पर हम 2 छोटे साइज़ का नींबू है तो इसलिए यहाँ पर हम 2 नींबू डालते हैं, 1.5 से 2 नींबू जाएगा।
अब आते हैं गरम मसाले की तरफ। दालचीनी की लकड़ी ऐसे तोड़ के डाल देंगे, दो बड़ी इलायची इस तरीके से बीच से इसे तोड़ लेना है, चार सफ़ेद इलायची, पांच लौंग, जावित्री फूल और ये आठ से दाना काली मिर्च, सभी चीज़ें इसमें अब हम खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं ताकि इसके रेशे रेशे में नमक मिर्च और जितने भी हम इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल कर रहे हैं वो सब खूब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और बहुत अच्छा टेस्ट हमारा आए बिरयानी का। यहाँ पर ऑयल थोड़ा सा, जो ऑनियन फ्राई किया है हमने वही ऑयल का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, बस इतना सा, इसे भी मिक्स कर देते हैं। अब हम इसे ढक के आधे से एक घंटे के लिए रख देंगे, मिलते हैं आधे घंटे के बाद। अब हम पेस्ट बनाने के, जो भी चीज़ पेस्ट बनानी है उसे हम एक जगह कर लेते हैं, जार में डाल लेंगे नारियल, काजू, चार से पांच बादाम और ये पिस्ता, बाकी को गार्निश के लिए रख देंगे। थोड़ा सा गरम मसाला इसमें डालेंगे क्योंकि पिसे हुए गरम मसाले का जो फ्लेवर आता है वो खड़े गरम मसाले का नहीं रहता, इसलिए थोड़ा सा गरम मसाला इसमें डालेंगे और इसे बिल्कुल फाइन पेस्ट हम बना लेते हैं। फ्लेम को ऑन करते हैं। अब ये हम अपनी हांडी चिकन के लिए रखते हैं। हांडी गरम हो चुकी है, अब यहाँ पर हम डालेंगे सरसों का तेल। और कढ़ाई में जो हमारा फ्राई किया हुआ चिकन का ये प्याज का तेल बचा हुआ है वो भी इसी में डाल देंगे। दालचीनी की लकड़ी और तेजपत्ता डालेंगे। अब जितना चिकन है सारा चिकन इसमें डालेंगे। चिकन बन रहा है तो जब तक हम पानी को बॉईल कर लेते हैं, जो राइस को बॉईल करना है सबसे पहले हम डालेंगे इसमें तेजपत्ता, दो बड़ी इलायची, सफ़ेद इलायची, जावित्री फूल, दालचीनी की लकड़ी, लौंग और ये काली मिर्च। पानी को बॉयल होने देते हैं। डालेंगे नमक, नमक क्योंकि चिकन में भी पड़ा हुआ है तो उसी हिसाब से डालेंगे, नमक हमारा बैलेंस रहे। और अच्छी स्पाइसी बनाने के लिए, बिरयानी की स्पाइसी बनाने के लिए यहाँ पर हम चार मिर्च चावल बॉईल करते वक्त डाल देंगे। हमारा वीडियो एंड तक देखिए। ड्राई फ्रूट्स और गरम मसाले का पेस्ट हमारा अब यहाँ पर हम डालेंगे।
पर डालेंगे एक लेमन, ताकि जो हमारा राइस है वो आपस में चिपके नहीं। और ये चावल से पहले जो पानी बॉयल होता है तब भी डाला जा सकता है। इससे क्या होता है, चावल आपस में चिपकते नहीं, खिले खिले अलग अलग चावल रहते। चावल को 80% कुक करना है, तो चेक कर लेते हैं। हमारा 80% 70 to 80% चावल कुक हो चुका है। अभी जब हम तक ऐसे हम ड्रेन करेंगे तब तक ये थोड़ा सा और उसको फ्लेम को बिल्कुल कम कर देते हैं। हमारा चावल और गोश्त दोनों ही पक चुका है। अब हम परत लगाते हैं। अब इस तरीके से चावल से कवर कर देंगे। अब हम यहाँ पर प्याज, बचे हुए ड्राई फ्रूट्स, फ्रेश धनिया, घी का भी देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। अभी हम सबसे लास्ट में डालेंगे सेफ्रॉन। अब हम इसे एक साफ टॉवल से इस तरीके से ढक देंगे और दम पे लगा देंगे। कपड़े को पलट देंगे से जले नहीं। अब हम इसे दम होने देते हैं, तकरीबन 10 मिनट इसे दम पे रहने देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे, बस ऐसे हल्का हल्का सा ड्रॉप कर देना है, बस इतना काफ़ी है। देखते हैं बिरयानी हमारी दम हो चुकी है या नहीं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इससे पता चल रहा है, और इससे जो भाप निकल रही है उससे पता चल रहा है ये पूरी तरीके से दम हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम डिश आउट करेंगे।
बहुत अच्छी खुशबू आ रही है।